आज मैं आपसे एक खोए हुए बेटे की स्टोरी शेयर करूंगी। मुसरब बेटा, जिस तरह हम दुनिया की आसाइशों में पढ़कर अपने बाप को यानी अपने खुदावंद को भूल जाते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावंद ने हमें अपने फर्जंद ठहराया है, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है और हमें अब्बा कहने का हक बख्शा है। इसी माने हम खुदावंद को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, दुनिया की आसाइशों में पढ़ के खुदावन के हुक्मों को भूल जाते हैं कि जो हमसे खुदावन चाहते हैं हम वो सब नहीं करते और हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। वो आज हम जानेंगे इस कलाम के इस खूबसूरत कहानी से कि किस तरह एक खोया हुआ बेटा जब वापस आता है और बाप जो है वो फिर भी अपने बेटे को अपने गले से लगाता है और उसे किस तरह उस ऊंचे ओहदे पे फाइज करता है, ये सब जानेंगे आज हम इस खूबसूरत कहानी में। तो हम देखेंगे लुका, उसका 15 बाब, उसकी 11 आयत से 32 आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता इन्हें बांट दिया और बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल पद चलनी में उड़ा दिया और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सब काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो बिल्लियाँ सुअर खाते थे इन्हें से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा, तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे भाई ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मत्ता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था अब मिला है। आमीन। से हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि जब हम चाहे लाख गुनाह करें
लेकिन जब हम अपने आप को आजिज करके अपने खुदावन के हजूर झुक जाते हैं, अपने खुदावन के हजूर गिर जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो खुदावंद हमें गले से लगाते हैं, खुदावंद हमें मुआफ़ कर देते हैं। वो मुआफ़ करने वाला है। खुदावंद कहते हैं, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। ज़रूरत है कि हम अपने आप को झुकाएं, अपने खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने खुदावंद के हजूर अपने उन तमाम गलतियों का इकरार करें और अपने खुदा के साथ एक हो जाएं और अपने खुदावन की सारी जो आसाइशें हैं उनको एंजॉय करें, अपने खुदावन के साथ जुड़ जाएं, ताकि अबलीस जो चोर है, झूठों का बाप है, चुराने आया है, वो उसे कुछ हासिल ना हो और हम अपने खुदावन में ऊंचे और सरबुलंद होते जाएं।